कोई ऐसा देश नहीं है कि और उस देश का कानून नहीं है कि अपना पैसा निकालने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा हो, और उस लाइन में पैसा निकालने की वजह से सैकड़ों हजारों लोगों का जान चला गया, यानी कुल मिलाकर के इस देश के अर्थव्यवस्था को रसातल में मिला दिया गया, जो उन्होंने वादा किया था उस वादा से सीधे भूल गए। इसलिए आज पूरे देश भर में संपूर्ण विपक्ष के 18 पार्टियों के द्वारा नोटबंदी और जीएसटी और भारत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन का ऐलान कार्यक्रम चल रहा है, और इनका विदाई अब तय है। 2019 में ये आने वाले नहीं हैं, लेकिन 2022 का ही सपना दिखा रहे हैं।